यस प्लीज। नमस्कार, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट दैट इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। में ये एक्ट बना था और तय मानिए कि अंग्रेजों का बनाया हुआ ये एक्ट इतना परफेक्ट था कि अभी तक इसमें सिर्फ दो बार अमेंडमेंट हो पाया है और मनी मार्केट का बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट है ये। निगोशिएबल का मतलब ये बातचीत, तो देखते हैं इस एक्ट में क्या बातचीत हो रही है लोगों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि आखिर इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में है क्या। बहुत कुछ है इसके अंदर, कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे बनते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कैसे हम इसको ट्रांसफर करते हैं, कैसे ये पेमेंट होते हैं, कैसे ये ऑनर होते हैं, कैसे ये डिसऑनर होते हैं, डिसऑनर करने पे क्या क्या करना पड़ता है। तो अब इस एक्ट की शुरुआत करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, लोगों के करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिजनेस की दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया में जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर इसी एक्ट का इस्तेमाल करके आज अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पर हैं। सो लेट अस बिगिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 5 पॉइंट के साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आपके बाद के लिए नहीं छोड़ूं। सो दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज मेड इन 1881 और ये जो सर्कल घूम रहा है ये मैंने जानबूझ के बनाया है। इसको बनाने का रीजन क्या है कि ये वास्तव में एक दूसरे के साथ मिला हुआ एक्ट है। एक ही सेक्शन आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएगा, तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएगा, लेकिन जब उसको अप्लाई करना होगा तो किसी एक के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस एक्ट को आगे बढ़ाते हैं और क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट सेक्शन नंबर 1। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट सेक्शन नंबर 1, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इंडियन एक्ट है तो इंडिया के ऊपर अप्लीकेबल होगा। और देखिए इसमें कहीं कोई जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। बहुत सारे एक्ट हैं इंडिया में जिसमें इसका जिक्र होता है कि इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये एक्ट शुरू से ही पूरे हिंदुस्तान पे अप्लीकेबल था, तो पूरे हिंदुस्तान पे अप्लीकेबल था। अब हमारा हिंदुस्तान आज ये है, ये मैप है, ये रिप्रेजेंटेटिव मैप है, इट इज नॉट अप टू स्केल, लेट मी मेक दिस डिस्क्लोजर। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड टू ऑल persons resident in India, whether foreigners or Indians. Now let us see, एक US का रहने वाला आदमी, US का citizen है, इंडिया में आया और उसने एक चेक इशू किया, जो ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, सवाल उठता है कि उस चेक की डीलिंग किस एक्ट के अंतर्गत होगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो इंडिया वाला एक्ट है उसके अंदर होगी। लोग इंडिया में बैठे बैठे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, उसकी डीलिंग किस एक्ट में होगी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होगी। इट मींस इट इज अप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑन अदर पर्सन हु आर रेजिडेंट इन इंडिया। ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया मे बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। बस सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की जमीन पर रहते हुए अगर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर ये कानून लागू होगा। तो सवाल ये उठता है कि अब कौन कौन से भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हिंदुस्तान में।
इस एक्ट में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत देंगे। सो फर्स्ट सेक्शन इज एप्लीकेबिलिटी, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड टू ऑल पर्संस रेजिडेंट इन इंडिया वेदर दे आर फॉरेनर्स और इंडियंस। नाउ अब इसमें क्या शामिल होगा, जैसा मैं कह रहा था सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसके बारे में डील करता है ये एक्ट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इट डील्स विद प्रोमिसरी नोट, अभी देखते हैं प्रोमिसरी नोट क्या होता है। इट डील्स विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इट डील्स विद चेक्स। तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में इस एक्ट ने दुनिया भर के प्रोविजन बना रखे हैं, लेकिन इसके सिवा कुछ और चीजें भी हैं। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट है, डिलीवरी ऑर्डर एंड रेलवे रिसीट्स फॉर गुड्स हैव बीन हेल्ड टू बी निगोशिएबल बाय यूसेज ऑफ कस्टम। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डील्स विद प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो तीन के बारे में से भी डील ही करता है, तीन के बारे में तो ये डील कर रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट है, डिलीवरी ऑर्डर है, रेलवे रिसीट, इसका मतलब गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, डिलीवरी ऑर्डर्स एंड रेलवे रिसीट, इन तीनों को कोर्ट ने डिसाइड करके बताया कि अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुनवाई भी किस एक्ट के अंतर्गत होगी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत हो सकती है। They have been held to be negotiable by usage of custom. Do you understand the word usage of custom? कानून जब बनता है तो उसके बहुत से आधार होते हैं। एक आधार होता है usage, custom, इसका मतलब है परंपरा। कोई चीज परंपरागत रूप से बहुत दिनों से किसी खास इस्तेमाल में अगर लाई जा रही है तो कानून उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रिसीट बहुत दिनों से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की तरह इस्तेमाल में लाए जा रहे थे, तो कोर्ट ने कहा ऐसा है कि इनको भी हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 13 जो इनको डिफाइन कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भीतर हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो इसको कोर्ट ने होल्ड किया अपने डिसीजंस में कि गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, डिलीवरी ऑर्डर और रेलवे रिसीट सामानों के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब जरा इस पे आइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट फॉर नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नेटिव का मतलब क्या होता है, देसी, हुंडी। Native instruments are governed by local custom and not by this act. तो समझना पड़ेगा कि हुंडीज हैं क्या, थोड़ा सा समझते हैं हुंडीज के बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हुंडी क्या होती है, अब हम हुंडीज के बारे में डिटेल में जा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान में सुना होगा कि एक पर्ची सिस्टम होता है, हालांकि ये कोई सिस्टम नहीं है लेकिन ये बाजारों ने बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, देयर इज ए ट्रेडर नंबर 1 एट मुंबई एंड देयर इज ए ट्रेडर नंबर 2 एट दिल्ली। दे आर टू ट्रेडर्स एंड दीज टू ट्रेडर्स आर वर्किंग इन द शुगर सेक्टर। ये लोग चीनी के थोक व्यापारी हैं, ये थोक बाजारों के हिसाब से ही काम करती हुंडी। सोने चांदी के मार्केट की हुंडी कुछ अलग होती है, अनाज के मार्केट की हुंडी कुछ अलग तरीके की होती है। बिल्कुल देशी भाषा में ये लिखा जाता है, लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है,
लिखने वाला लिखता है और पाने वाला ही इसको समझता है, क्योंकि इसकी भाषा जैसे कहते हैं ना दो व्यापारियों की आपस की जबान है, उस तरह से होती है। तो इन्होंने एक इनको हुंडी लिखी। हुंडी जनरली नोट की तरह लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा मैंने प्रॉमिसरी नोट वर्ड यूज नहीं किया, नोट की तरह लिखी जाती है कि मैंने आपको ये चीनी बेची है, इसके इतने पैसे हुए हैं, ये महीने के बाद दो महीने के बाद आप मुझे देंगे, या मैं आपको वादा करता हूं कि आपने जो मुझे सामान बेचा है उसका पेमेंट मैं आपको दो महीने के बाद, एक महीने के बाद, 90 दिन के बाद कर दूंगा, इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है। अब इस प्रॉमिसरी नोट का बिना एक्सचेंज का कोई फॉर्मेट, इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब 1881 में बना तो कोई डेफिनेट फॉर्मेट नहीं बताया, कुछ रिक्वायरमेंट बताई है, डेफिनेट फॉर्मेट नहीं बताया। तो जब एक्ट बना उसने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया, तो हुंडी जो कि लोकल इंस्ट्रूमेंट है उसका फॉर्मेट तो स्पेसिफाई हो गई। इसीलिए मैंने कहा है कि लिखने वाला लिखता है और पाने वाला समझता है, ठीक है। तो ये हुंडी लिख दी गई। अब आपको मालूम है कि 25 सिस्टम में बड़ा विश्वास होता है लोगों को, हालांकि कितना लीगल है कितना नहीं लीगल नहीं है ये तो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन बड़ा विश्वास होता है लोगों को, और मार्केट में हम बोलते हैं कि धंधा भरोसे पे चलता है, जुबान पे चलता है, हिंदुस्तान में तो ऐसे बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें 3 महीने के बाद पेमेंट लिखा था, तीन महीने के बाद पेमेंट टाइम था, पेमेंट हो गया तो पर्ची फाड़ के फेंक दी जाएगी या ऐसी जगह रख दी जाएगी जहां कोई और ना पहुंच सके, तो में से एक ही चीज हो। अब ये देखिए कि 3 महीने बाद पेमेंट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, तो अब जब नहीं होगा तो क्या होगा, झगड़ा, झगड़ा होगा, बीच सड़क पे होगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देख लेना, एक दूसरे को ऐसा देखेंगे कि कभी एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा, ये रोड पे झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, कोई 100 नंबर पे फोन मिलाएगा, पुलिस आएगी, न्यूसेंस है ना, पुलिस आएगी, क्या हो गया भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, और ये भाई साहब देखो इन्होंने मुझे सामान पैसे नहीं दिए, और देखिए मैंने इनको ये बेचा था वो खरीदा था ऐसे बेचा था वैसे, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे भाई एक मिनट रुको, क्या क्या मामला, क्या है, क्या सबूत है कि सामान बेचा था, ये देखो जी कागज देखो, ये सबूत है, ये भाई कागज देखा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कागज देखा, तो उसने पूछा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मुकदमा दाखिल करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो बोले साहब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, तब क्या है, तो बोला हुंडी है, नहीं हुंडी है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गया ही नहीं, ये तो बता रहे हुंडी है, तो हुंडी मतलब क्या है, और जी मैंने जब इनको चीनी बेची थी तो इन्होंने लिख के दिया था कि देखो जी मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, तो पता चला कि मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चूंकि झगड़ा हो रहा है तो पुलिस वाले इनको थाने ले गए। अब आपको पता थाने ले जाएंगे तो फिर कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो कोर्ट में पहुंचे। अब सही इसका मतलब समझ में आएगा आपको, हुंडी का मैटर जस्ट आपके सामने गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ किसी ने कागज लिखा तो है कि सामान खरीद रहा हूं और पेमेंट करूंगा। अब वो कोर्ट क्या करेगा, इस हुंडी का बिल्कुल ध्यान से, यहीं पे है सारा, यहीं पे सारा है, इस हुंडी को कंपेयर करेगा कि किस चीज से ये मिलती है,
प्रॉमिसरी नोट से मिलती है या बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलती है। देखिए चेक से तो मिल नहीं सकती क्योंकि चेक का तो पक्का फॉर्मेट होता है। तो कोर्ट कंपेयर करता है कि ये प्रॉमिसरी नोट से मिलती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलती है, क्योंकि देखिए कोर्ट को अगर किसी मामले पे कोई फैसला देना है तो उसको एक्ट ढूंढना पड़ता है। ज्यूरिसप्रूडेंस का सिद्धांत यही कहता है कि उसको एक्ट ढूंढना पड़ता है कि इस एक्ट में ये मामला बनता है और अब हम ये फैसला कर रहे हैं, तो कोर्ट ढूंढेगा एक्ट। तो कोर्ट इस हुंडी की लैंग्वेज को कंपेयर करेगा कि क्या दोनों के बीच में जो लिखा हुआ था वो प्रॉमिसरी नोट की तरह लिखा हुआ था या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह लिखा हुआ था। कंपैरिजन करने पे जो भी सामने आएगा, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह लिखा हुआ था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोविजन इस हुंडी के ऊपर लागू हो जाएंगे, और अगर प्रॉमिसरी नोट की तरह लिखा हुआ था तो प्रॉमिसरी नोट के प्रोविजन इस हुंडी पर लागू हो जाएंगे। यही हुंडी का रहस्य है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कि हुंडी वैसे तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, बट अगर कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टीज के बीच में, सेटलमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, पर्ची सिस्टम था, सेटल हो गया, आपस की बात थी, मामला खत्म तो खत्म। लेकिन अगर बात बड़ी तो मामला अदालत में जाएगा और अदालत इसको कंपेयर करके देखेगी। बिल्कुल मियां बीबी के झगड़े की तरह है, घर में झगड़ा हुआ, शांत हो गया, कोई बात नहीं, आपस की बात है। लेकिन अगर घर के बाहर बात बढ़ी तो कई एक्ट है जो लागू होने लगते, क्योंकि कोर्ट में मामला जाएगा तो एक्ट से कंपेरिजन होगा। तो हुंडी का रहस्य कुल मिला के यही है कि हुंडी वैसे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन अगर पार्टियों के बीच में उनके सेटलमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाए जो कि अपने से ना सेटल हो, तो फिर पार्टियां उसे कोर्ट ले जाएंगी। कोर्ट पहले इस एक्ट को कंपेयर करेगा कि किससे मिल रही है ये, और फिर जिससे भी मिलेगी उसके प्रोविजन के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये हुंडी का मैटर थोड़ा सा आपकी समझ में आया होगा। ज़्यादा समझ में आया हो तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समझ में आया होगा ऐसा मेरा भरोसा है। तो हुंडीज की सिचुएशन क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न बाय लोकल कस्टम एंड नॉट बाय दिस एक्ट, एंड पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट हैव एग्रीड दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट द प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट विल अप्लाई। ओके, इसके आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आप सोचेंगे कि क्या प्रॉमिसरी नोट के ऊपर जो दो लोगों के बीच में लिखा जाता है वादे के तौर पे, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो दो लोगों के तीन लोगों के बीच में लिखा जाता है, चेक के ऊपर ऑनर होने पे डिसऑनर होने पे क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो, क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी आप जानते ही प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में बनता है, तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल हो सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने कहा भैया ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वालों, यार ये तीन तो हमारे लिए छोड़ दो कम से कम, ये जो तीन है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, कम से कम यार ये हमारे लिए छोड़ दो, बाकी दुनिया तुम्हारी, ये तीन हमारे लिए छोड़। अगर ये तीन हमारे लिए नहीं छोड़ोगे तो महाभारत हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1874 में, 1872 में, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना 1881 में, बाद में बना, 9 साल के बाद बना, लेकिन फिर भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ने अपना एक अलग एरिया बना दिया। तो इसीलिए कहते हैं प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ओवर रूल। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डील नहीं होगा, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत ही डील होगा। अब जरा चलते निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट प्रोवाइड्स
that no person shall issue bill or note payable to bearer on demand or a note payable to bearer, the offence is punishable with fine. पहले आप इसको जरा सा पढ़ लीजिए. सेक्शन 31 की लैंग्वेज है और रेस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज में है, प्रोहिबिटरी लैंग्वेज में है. नो पर्सन शैल इशू, नो पर्सन शैल इशू बिल आर नोट पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ए नोट पेएबल टू बियरर एंड द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन. अब जरा इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है. आरबीआई एक्ट क्या कहता है? आरबीआई एक्ट क्या कहता है? देयर इज पर्सन वन, देयर इज पर्सन टू. हमने इनको एक प्रॉमिसरी नोट इश्यू कर दिया क्या कह के, आई प्रॉमिस टू पे ₹100 टू बियर, मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूं. यही लैंग्वेज है करेंसी नोट की, यही लैंग्वेज है करेंसी नोट की. करेंसी नोट भारत में इश्यू करने की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. आप किसी को ऐसा प्रॉमिस लिख के नहीं दे सकते, अगर किया तो ये ऑफेंस है. इसीलिए कहते हैं कि जो करेंसी नोट है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डील नहीं होता, क्योंकि जो करेंसी नोट है वो एक से दूसरे के पास जा रहा है, निगोशिएशन उसका हो रहा है, ट्रांसफर उसका हो रहा है. लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आरबीआई एक्ट में मामला जाएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में मामला नहीं जाएगा. तो याद रखिएगा सेक्शन 31 के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर आपने ऐसा प्रॉमिसरी नोट किसी को भी इश्यू किया जो पेएबल टू बियरर है या पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड है, तो आपके ऊपर भयानक पेनाल्टी लग सकती है. आरबीआई एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास मत कीजिएगा. तो सेक्शन 31 ने यह बोला है. अब जरा इसके आगे चलते हैं. मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन 13, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं. सेक्शन 13(1) क्या कहता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियर. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंक्लूड वर्ड नहीं लिखा है, इंक्लूड वर्ड नहीं लिखा है. कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हम ऐसे लिख देते निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, इसका मतलब इन तीन के सिवा और भी इसमें आ सकते हैं. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने अपने दरवाजे सिर्फ और सिर्फ तीन इंस्ट्रूमेंट के लिए खोले हैं, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, सिर्फ तीन इंस्ट्रूमेंट के लिए खोले हैं और चौथे इंस्ट्रूमेंट के लिए खोला ही नहीं है. ठीक है. विच इज पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर. अब ये क्या चक्कर है? सेक्शन 31 आप अभी अभी पढ़ के निकले जिसमें कहा गया था नो पर्सन शैल इशू ए प्रॉमिसरी नोट विच इज पेएबल टू बियरर, और यहां सेक्शन 13 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का क्या बोल रहा है? यू कैन इश्यू ए प्रॉमिसरी नोट, यू कैन इश्यू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यू कैन इश्यू ए चेक विच मे बी पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर. तो अब जरा इन दोनों को मिला देता हूं. प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर, सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का जो है वो इसको मना कर रहा है, सेक्शन 13 अलाउ कर रहा है. अब आप यहां पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में लगा के रखिए. अब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के इस डेफिनेशन के रहस्य को समझेंगे कि जिस चीज को सेक्शन 31 निगोशिएबल आरबीआई एक्ट ने मना किया
उसको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहीं ओवररूल तो नहीं कर रहा, कहीं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो 1881 में बना था वो आरबीआई एक्ट के ऊपर तो नहीं चढ़ गया? वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन इस रहस्य को तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये रहस्य कहना क्या चाहता है, आखिर ये डेफिनेशन में क्यों आया पेबल आइदर टू बेरर आर टू ऑर्डर। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बेरर की रियल मीनिंग क्या होती है, इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा। तो पहले सेक्शन 13(1) को समझिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर। अब इसके आगे चलते हैं, सेक्शन 13 को एक्सप्लेन करना पड़ गया क्योंकि एक कंफ्यूजन डाल दिया ना इन्होंने, तो सेक्शन 13 को एक्सप्लेन करना पड़ा कि इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हाट इट मींस। एन इंस्ट्रूमेंट, और जब यहां पे लिखा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट तो इसका मतलब ये प्रॉमिसरी नोट भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और चेक भी है। जिस सेक्शन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बोलता है कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब उस पे सेक्शन 13(1) लागू हो जाएगा और वो तीनों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो प्रोविजन लागू होगा। लेकिन जिस सेक्शन में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, तो वो सेक्शन उसी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होगा। तो जब ये एक्ट इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज करता है तो आप समझिए तीनों के लिए कॉमन है। इधर राइट, इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन और पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और ऑन इज ऑर्डर और पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन विदाउट राइटिंग द वर्ड्स और इज ऑर्डर एंड डज नॉट प्रोहिबिट इट्स ट्रांसफर आर इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल। तो पहले जरा तीनों ध्यान से पढ़िए, इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर मीन्स वॉट, इट इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन, इट इज पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और ऑन इज ऑर्डर, इट इज पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन विदाउट राइटिंग द वर्ड्स और इज ऑर्डर एंड डज नॉट प्रोहिबिट इट्स ट्रांसफर आर इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल। अब इस पेएबल टू ऑर्डर वाले को बहुत ध्यान से मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको एक चार्ट बना के, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ने इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया है, तो अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू ऑर्डर, लेट सपोज देयर इज P1 एंड P2, ठीक है। P1 ने P2 को लिखा एक प्रोमिसरी नोट और उसमें क्या लिखा है ये ध्यान दीजिएगा, आई प्रोमिस टू पे P2 रुपीज 1000 3 months after date, ठीक है। यहां P1 ने साइन किया और डेट डाली आज की 15/6/2020। बिल्कुल ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि मैं ये वादा करता हूं कि P2 को 1000 रुपए दूंगा जिस तारीख को मैंने साइन किया है उससे 3 महीने के बाद मैं ये पैसा दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये पेबल टू P2 है, अभी आपने देखा पेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और इज ऑर्डर, ओके। यहीं पर मैं एक वर्ड बढ़ाता हूं और ऑन हिज ऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये पैसा P2 को दूंगा, ये तो मैं वादा कर रहा हूं,
लेकिन अगर पीटू इस पैसे को प्राप्त करने का आदेश किसी और को दे दे तो मैं उसे ये पैसा दे दूंगा, तो मैं उसे ये पैसा दे दूंगा। अब देखिए पीटू इसको प्राप्त करने का आदेश कैसे दे रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट लिखा गया 15 जून 2020 को, राइट। आप 3 महीना लगा दीजिए कि कब ये ड्यू हो रहा है, मैं एक एक दिन गिन के नहीं लगा रहा हूं, 3 महीना सीधे लगा रहा हूं। ये पेपर होगा 15/9/2020 को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 3 महीने बाद जून के बाद सितंबर में पेबल हो जाएगा। अभी हमने सेक्शन 22 नहीं पढ़ा है, डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं सीधा सीधा हिसाब ले रहा हूं जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अब P1 का लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट P2 के पास आ गया। क्या आ गया कि 3 महीने बाद मुझे P1 से 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो बताइए P2 के पास क्या ऑप्शन है, P2 के पास ऑप्शन है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को अपने तकिए के नीचे रख के आराम से सोए 3 महीने तक, और 3 महीने बाद P1 के पास पहुंच जाए, भैया आपने प्रॉमिस किया था अब आप निभा दो, मैं हूं, देखो मुझे ही बोला था ना कि मुझे पेमेंट करोगे, बस मैं वही हूं, लॉकडाउन में थोड़ी हेल्थ कमजोर हो गई लेकिन हूं वही, आधार कार्ड चाहो तो देख लो, मुझे पेमेंट कर दो। तो एक ऑप्शन तो ये कि भाई P1 P2 को 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा क्योंकि P2 खुद इसके पास आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है समझिएगा, P2 उसी इंस्ट्रूमेंट को लेके आ रहा था, है रास्ते में मिला उसे एक व्यक्ति, पड़ोस का बनिया, बोला मिस्टर पीटू बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हो, यार ये बताओ लॉकडाउन में काम धंधा नहीं है, तुम मुझसे 2 महीने पहले जो अनाज उधार ले गए थे उसके पैसे दो। अब बताइए बीच गली में रोक लिया, अब क्या होगा, पीटू क्या कहेगा कि भाई साहब अभी नहीं है, कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, और वो टलने को तैयार नहीं है। तो वो बनिया कह रहा है कि भैया 2 महीने से तो तुम गोली दे रहे हो, क्या गारंटी है कि तुम दे दोगे। तब उसने कहा भाई साहब ऐसा है, मेरी जेब में एक कागज रखा है, और क्या कागज रखा है कि P1 को आप जानते हो ना, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है जो वादा करता है निभाता है, उसने मुझे एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है कि मैं आपको 3 महीने के बाद 1000 रुपए दे दूंगा। तो आप एक काम करो, ये प्रॉमिसरी नोट मैं आपको दे देता हूं, तो आप ले लो भाई साहब, और 3 महीने के बाद आप P1 के पास जाना और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बनिए ने ले लिया कागज, आगे देखा पीछे देखा, बोला ये बताओ इस पे तो लिखा है कि तुमको पेमेंट मिलेगी, तुम्हारा नाम पीटू है ना, तुमको पेमेंट मिलेगी। पीटू ने कहा रुक जाओ एक मिनट। उसने इस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा उसी कागज पे या पीछे क्या लिखा, पे टू मिस्टर बनिया, और यहां P2 का क्या हो गया साइन, पे टू मिस्टर बनिया और P2 का क्या हो गया साइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यही बता देता हूं, इसी घटना को कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो अधिकार मेरा है वो अधिकार मैं किसी और को भी दे रहा हूं, वही अधिकार मैं किसी और को भी दे रहा हूं।
इसी घटना को इंडोर्समेंट कहते हैं। देखिए प्रॉमिसरी नोट की मेन लैंग्वेज में क्या था कि मैं पीटर को पेमेंट करूंगा, लेकिन वहीं पे ये भी लिखा था और ऑन हिज ऑर्डर लिखा था ना, तो इसका मतलब मैं पीटू को पेमेंट करूंगा या वो किसी और के फेवर में ऑर्डर करे तो मैं दे दूंगा। तो उसने उसी कागज पे ये लिख दिया पे टू मिस्टर बनिया, पीटू साइन कर दिया। ये ठीक वैसी बात है जैसे आप अपने नाम का चेक लिखते हैं, अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, अपने असिस्टेंट से बोलते हैं बेटा पीछे साइन कर दो, और आप उसको घेर करके अपनी साइन कर देते हैं। इसका मतलब कि जो पेमेंट मुझे मिल सकती है बैंक वही पेमेंट मेरे असिस्टेंट को दे दे, यही मतलब होता है ना। वही है इंडोर्समेंट, वही है इंडोर्समेंट। तो पेएबल टू ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इट इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन, पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर, एंड पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन विदाउट राइटिंग द वर्ड्स और हिज ऑर्डर and does not prohibit transfer of that instrument। ये बड़ी important characteristic है Negotiable Instruments Act की। क्या? कि चाहे promissory note हो, चाहे bill of exchange हो, या चाहे check हो, आप उसकी negotiability पे, मैं बड़ा simple word use कर रहा हूँ, आप उसकी negotiability पे, negotiability का मतलब होता है transferability, आप उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जम्मू कश्मीर से चल के तमिलनाडु में पेएबल हो सकता है, उसके बीच में किसी को भी ट्रांसफरेबल हो सकता है। जैसे इसी केस में देखिए बनिया लेकर के चला इस इंस्ट्रूमेंट को, है जब बनिया लेकर चला इस इंस्ट्रूमेंट को तो बनिए को मिला धनिया, उसने कहा बाबूजी लॉकडाउन के पीरियड में 4 महीने से आपने तनख्वाह नहीं दिया मेरी तनख्वाह। बनिए ने क्या बोला, देखो तनख्वाह तो मैं अभी भी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास एक प्रॉमिसरी नोट है जो P1 का लिखा हुआ है, तुम इसको ले लो। और यहां क्या लिखा, पे टू धनिया साइन बाई बनिया, है कि नहीं। अब बनिए ने ट्रांसफर कर दिया, अब क्या हुआ, अब बनिए ने ट्रांसफर कर दिया। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, कब तक, 15 सितंबर 2020 तक, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले तक कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होगा। कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई प्रोहिबिशन नहीं लगेगा। ये सेक्शन 13 के एक्सप्लेनेशन 1 को हम लोगों ने जिक्र में दिया है, क्या, इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि जहां वो सेक्शन 13(1) कह रहा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, उस पर हमने पहला एक्सप्लेनेशन समझा है जिसमें ये कहा गया कि पेएबल टू बियरर की मीनिंग क्या है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पहला एक्सप्लेनेशन हमने समझा कि पेएबल टू ऑर्डर की मीनिंग क्या है, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पेएबल टू बियरर की मीनिंग क्या है। बियरर पहले आप बहुत सिंपल समझ लीजिए कि बियरर होता क्या है। बियरर का मतलब है जो बियर करे, जो कैरी करे, जिसके हाथ में है वो बियरर है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके भी हाथ में है वो क्या है, बियरर है। तो बियरर का मतलब क्या हुआ कि जो बियर कर रहा है। अब जरा इसके आगे समझने की कोशिश तो करें। सेक्शन 13 के एक्सप्लेनेशन 2 ने पेएबल टू बियरर को डिफाइन किया है। आप देखिए सेक्शन 13 ने जो क्रिएट की है डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ए प्रॉमिसरी नोट, बिल और चेक इज पेएबल टू बियरर, ओके वेल, व्हिच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। अब देखिए ये पेएबल टू ऑर्डर का उल्टा हो गया कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर नहीं तो पेएबल टू बियरर है, और ऑन विच द ओनली इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक।
अभी अभी मैंने आपको इंडोर्समेंट वर्ड से परिचित कराया, अब ये दो वर्ड यहां पे आ गए कि ऑन विच द ओनली इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और द लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कन्वर्जन। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल समझिए कि प्रोमिसरी नोट बिना अपेक्षित या चेक इज पेएबल टू बियर। मैं आपको चेक से समझा देता हूं, ये आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। आपका एक बैंक अकाउंट है, आपका है, आपके पास चेकबुक है, आपकी है, तो उससे पैसा निकालने का अधिकार भी आपका है। आपने एक चेक अपने लिए लिखा, क्या लिखते हैं, पे टू सेल्फ, ये लिखते हैं, और फिर आप बैंक के काउंटर पे जाके खड़े हो जाते हैं। बैंकर आपसे पूछता है आपका ये अकाउंट है, आप कहते हैं हाँ, और वो आपको पेमेंट दे देता है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसी चेक पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे सर, सर, और इसको आपने दे दिया अपने असिस्टेंट को, बोला जाके बैंक से पैसा लाओ। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो असिस्टेंट आपका चेक लेकर के बैंक में गया और आपने उसके पीछे कोई साइन नहीं किया, आपने उसके सिग्नेचर को गोल करके भी कोई साइन नहीं किया, गोल करके आप साइन करते पेपर टू ऑर्डर हो चुका होता वो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ का चेक लिखा, अपने असिस्टेंट को बुलाया, उसको दे दिया, वो वहां पे जाएगा, बैंकर पूछेगा आपका अकाउंट है, असिस्टेंट ऑब्वियसली बोलेगा नहीं जी मेरा अकाउंट तो नहीं है, तो क्या बैंकर पेमेंट करेगा, बैंकर को अधिकार है कि पेमेंट डिनाई भी कर दे, लेकिन हमारा आपका रोज का अनुभव है कि बैंकर पेमेंट कर देता है, और जब बैंकर पेमेंट करता है तो आप याद रखिएगा उस चेक के पीछे असिस्टेंट से साइन कराता है, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जब चेक के पीछे वो असिस्टेंट अपना साइन करता है तो वो इस बात का सबूत नहीं है कि वो चेक इंडोर्स हुआ है, वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि बैंकर ने किसी को पेमेंट दिया है और उसका साइन ले लिया है। मान लीजिए असिस्टेंट अपना सिग्नेचर नकली कर दे, बैंकर के पास उस असिस्टेंट के सिग्नेचर का नमूना नहीं है, क्योंकि उस असिस्टेंट का अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट तो आपका है, वो असिस्टेंट अगर कोई फर्जी सिग्नेचर भी करके चला आए तो भी बैंकर उसको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सिर्फ इस बात का सबूत अपने पास रखना है मैंने पेमेंट इस चेक का किया है, सिर्फ इसका कर। तो पेबल टू बियरर का मतलब यही हो गया कि आपने पेबल टू ऑर्डर नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर हो गया, जो भी उसको होल्ड करेगा वही उसका बियरर है, चाहे वो उसका लीगल ओनर है या शायद नहीं भी है। इसको चेक करने के तरीके क्या होंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, हम आगे देखेंगे कि कैसे ये चेक किया जाता है कि वो आदमी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड कर रहा है वो उसका लीगल ओनर है या नहीं है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है। देखिए यहीं पे मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, समझेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर एग्जाम में आता है। ए प्रॉमिसरी नोट बिना चेक इज पेबल टू बियरर विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब जरा इसको समझते हैं कि पेबल टू बियरर होगा तो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, अभी अभी तो आपको बताया ही है एक एग्जांपल। P1 ने P2 को कोई प्रॉमिसरी नोट लिखा, ठीक है, 1,000 रुपए और 3 महीने के बाद साइन हुआ था P1 का
डेट पड़ी थी 15 जून 2020 की, डेट पड़ गई थी। अब पीटू ने इसको किसको दिया था? बनिया को दिया था। क्या किया था पीटू ने? लिखा था पे टू बनिया साइन पीटू, यही किया था। पे टू बनिया साइन पीटू, इसका मतलब ऑर्डर भी दिया था और अपना साइन भी किया। अगर यही सेंटेंस ना लिखा जाए पे टू बनिया, सिर्फ साइन कर दिया जाए या साइन भी ना किया जाए, यस भी है इसमें और नो भी है, साइन करके दे दो या बिना साइन के दे दो, दिस बनिया विल बिकम बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड क्योंकि अधिकार पीटू को था, यही अधिकार पीटू ने किसको दिया? बनिए को। और पे टू बनिया नहीं लिखा, मतलब इंडोर्समेंट तो किया लेकिन लिख के नहीं किया, इसी को कहते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अगर ये ऑर्डर दिया होता तो हम कहते हैं इंडोर्समेंट इन फुल। ये ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ साइन करके दे दिया या बिना साइन किए दिया, जैसे आप चेक में करते हैं, तो क्या मतलब? अधिकार तो मेरा है पेमेंट का, लेकिन यही अधिकार मैं किसी और को दे रहा हूं। किसको? बियरर को। जो भी इसको बियर करता है उसको पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार है। इज दैट राइट? इंडोर्समेंट इन ब्लैंक अभी अभी हमने समझा है। अब इसके आगे चलते हैं। तो सेक्शन 13 ने क्या किया, अपने आप को दो एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पेमेंट टू ऑर्डर और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पेमेंट टू बियर। ये दो एक्सप्लेनेशन देने के बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 को ऐसा लगा कि भाई उसने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके आगे चलते हैं कि क्या सेक्शन 13(2) भी कोई चीज है। तो इसने सेक्शन 13 में दो सबसेक्शन है। सेक्शन 13(1) तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में बताता है, सेक्शन 13(2) एक छोटी सी बात और करता है। लेकिन सेक्शन 13(2) पे जाने से पहले जरा हम पेमेंट टू बियरर की परिभाषा को एक बार पुनः अवलोकन कर लें। तो क्या है? ए प्रॉमिसरी नोट बिल आर चेक इज पेबल टू बियरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली इंडोर्समेंट is an endorsement in blank, our last endorsement is an endorsement in blank, that is conversion. अब इसके आगे चलते हैं। Section 13(2), subsection 2, payable to 2 or more page. मतलब देखिए, P1 ने ये promissory note लिखा था किसके लिए? P2 के लिए। क्या यही प्रॉमिसरी नोट P3 के लिए भी लिखा जा सकता है? ये बोल दे कि P2 और P3 ज्वाइंटली, ये दोनों भाई हैं, मैं उनको दूंगा। P2 P3 कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर है उसमें, उनमें से किसी एक को दे दूंगा या दोनों को दे दूंगा, जो भी आएगा मेरे पास। A negotiable instrument may be made payable to 2 or more pages jointly, or it may be made payable in the alternative to 1 or 2 or 1 or some of the several pages. मतलब किसी भी negotiable instrument में एक से ज्यादा pay हो सकते हैं। अब देखिए, मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है negotiable instruments, मतलब इसमें इंक्लूड होगा प्रॉमिसरी नोट, इसमें इंक्लूड होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें इंक्लूड होगा चेक। तो अब आप एक सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम चेक भी ऐसा लिख सकते हैं, पे टू राम और श्याम,
पेटू राम एंड श्याम, क्या ऐसा हो सकता है? सेक्शन 13 ने जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा तो उसके दिमाग में तीनों था, तीनों था। लेकिन चेक ऐसा तो लिखा जा सकता है ना, पे टू मेसर्स एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज, और एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज क्या है? पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है। तो एक्स अगर बैंक में ले जाए उसको पेमेंट मिल जाएगा फर्म के खाते में, वाई ले जाए उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो उस सेंस में तो चेक को भी आप ज्वाइंट पेमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रॉमिसरी नोट की बात है, जहां तक बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है, इसको तो आप पक्का एक इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा पे ही रखने का अधिकार रखते हैं। तो सेक्शन 13 अभी हमने डिस्कस करके निपटाया है, क्या है कि दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट means that you can make more than one payee in a single instrument. Payee का मतलब ये है कि जिसको instrument पर payment प्राप्त करने का अधिकार है। Wow! एक हमने segment खत्म किया सिर्फ और सिर्फ परिभाषा का। अब फिर से चलेंगे दूसरे segment पे, types of instruments एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्या करेंगे कि प्रॉमिसरी नोट को समझेंगे अलग से सारी करेक्टरिस्टिक के साथ, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे अलग से सारी करेक्टरिस्टिक के साथ, चेक को समझेंगे अलग से सारी करेक्टरिस्टिक के साथ। तो अब पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4, इसको फिर ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें पेबल टू बियरर की रियल मीनिंग यहाँ पे आएगी। प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज दिस प्रॉमिसरी नोट? ए प्रॉमिसरी नोट, मैं पढ़ता हूं, ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिना किसी शर्त के वादा किया जाएगा, साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है? जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है उसी को आप मेकर कहते हैं। जैसे जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे उसमें P1 है। ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, है कि नहीं? सेक्शन 31 फिर याद कीजिएगा, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड टू द बियरर, इट इज एन ऑफेंस। डेफिनेशन कह रही है इट कैन बी मेड एज बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी अभी आपको इसीलिए बताया, इंडोर्समेंट, एक प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर बनेगा और अगर पेबल टू ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दिया जाता है, सिर्फ साइन करके दे दिया जाता है, बिना साइन के दे दिया जाता है, तो वही प्रॉमिसरी नोट क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर। मतलब ओरिजिनली प्रॉमिसरी नोट बियरर फॉर्म में नहीं इश्यू किया जाएगा। यहां सेक्शन 31 की इज्जत हो गई, सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट की इज्जत हो गई यहां। लेकिन प्रॉमिसरी नोट ओरिजिनली बनेगा तो पेबल टू ऑर्डर बनेगा, फिर उसको कोई ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दे तो वही इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? पेबल टू बियरर। ओके, तो सेक्शन 31 की भी इज्जत रह गई, ठीक है ना? कैसे रह गई? वो आए हमारे सपनों में, वो आए हमारे सपनों में और हमने उनको गले लगाया, उनकी भी इज्जत रह गई, अपना भी काम हो गया। देखिए प्रॉमिसरी नोट के सेक्शन 4 में क्या लिखा कि बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उसकी परिभाषा में शामिल है। परिभाषा का मतलब किसी आप एक्ट में समझते हैं? इसका मतलब अगर किसी टर्म को किसी एक्ट में अगर डेफिनेशन के रूप में शामिल किया गया है
तो उस एक्ट के लिए उस टर्म का मतलब वही होगा जो उसकी डेफिनेशन में लिखा है। इसका मतलब कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पे फुल स्टॉप लगाना था, टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यही फुल स्टॉप होना था, यही पे फुल स्टॉप होना था कि नहीं होना था, जरा बताइएगा। क्या प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, फुल स्टॉप होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन डेफिनेशन ने अपने आप को आगे बढ़ाया और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब इसमें कुछ तो रहस्य छिपा है जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि रहस्य वही है कि प्रॉमिसरी नोट पहले तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के रूप में बनेगा और जब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के रूप में बन जाएगा उसके बाद इसका ब्लैंक ट्रांसफर होगा तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और यहां मैंने आपको वार्न फिर कर दिया, इट डज नॉट इंक्लूड ए बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट पे भी लिखा वही होता है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन ये भारतीय रिजर्व बैंक का विशेषाधिकार है, सर्वाधिकार है, इस तरह से लिख के आप कागज किसी और को नहीं दे सकते, सिर्फ आरबीआई ही ऐसा कर सकता है और तो कोई कर भी नहीं सकता। अब मैं आता हूं फॉर्मेट पे। कई बार एग्जाम्स में प्रॉमिसरी नोट विद ऑफ एक्सचेंज और चेक का फॉर्मेट पूछ लिया जाता है, हालांकि एक्ट ने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का कहना है कि भाई प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, चेक के लिए तो फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना के रखता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट एक्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। उन्होंने कुछ करेक्टर्स बताए हैं कि प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में क्या क्या होना चाहिए, वो लैंग्वेज होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो प्रॉमिसरी नोट है, वो लैंग्वेज नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। देखिए एक जरूरी शर्त रखी है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों के, क्या कि भाई या तो ये कचहरी से मिलने वाले स्टैंप पेपर के ऊपर बनाए जाएंगे प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर आप सादे कागज पे बना लीजिए और बनाने के बाद उस पे जुडिशियल स्टैंप चिपका दीजिए, लेकिन वो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये स्टैंप पेपर आपको पता है सरकार की ट्रेजरी से मिलता है, तो या तो स्टैंप पेपर पे लिख लीजिए या फिर सादे कागज पे लिखिए और उसके बाद उस पर जुडिशियल स्टैंप चिपकाइए। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट दिया है, हालांकि आप कोई दूसरा फॉर्मेट भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं। आई श्री अपना नाम लिखा, सन ऑफ पिताजी का नाम लिखा, प्रॉमिस टू पे टू श्री पेई का नाम लिखा, सन ऑफ पेई के पिताजी का नाम लिखा, द सम ऑफ रुपीज दिस बाय फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दिस टू बी पेड ऑन द डे ऑफ, मतलब क्या कि प्रॉमिसरी नोट अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आपको धारा चार में लिखी हुई सारी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि प्रॉमिसरी नोट क्या है या नहीं है। देखिए ए, मिस्टर ए हैज साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 सेवन डेज आफ्टर माई मैरिज विद सी, बताइए प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है, है? बताइए प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है। क्या लिखा गया है कि
कि मैं ए ने लिखा है मैं बी को 500 रुपए देने का वादा कर रहा हूं जब सी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। विवाह जो है ना ये बड़ी पंगेबाजी वाला काम है, हिंदुस्तान में तो खास तौर से पंगेबाजी वाला काम है। बताइए वो रामचंद्र जी सीता जी से शादी करने गया, वो पता चला कि भैया धनुष तोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि वो धनुष अगर नहीं टूटा होता तो क्या हो पाता। अर्जुन गए वो शादी करने पांचों भाई मिलके और बोला जी मछली की आंख में निशाना लगाओ, अगर नहीं लगा होता तो नहीं हो पाता ना। भाई आप ए सी से शादी करना चाहते हैं तो करो भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन सी तो उनसे शादी करना चाहती कि नहीं करना चाहती है? मान लो सी तुमसे शादी करना चाहती है शादी के पहले उसकी डेथ हो गई, फिर बी तो इंतजार ही करता रह जाए, है कि नहीं? पक्का कहां है कि तुम्हारी शादी हो भी जाएगी? डेफिनेशन सेक्शन 4 में क्या कह रही है, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन। आफ्टर गिवन टाइम तो आपको बताना पड़ेगा कब देंगे आप। ये जो कंडीशन है ये अनिश्चित है, कंटिजेंट कंडीशन है, होगी नहीं होगी, किससे होगी, क्या होगी, तुम ही किसी और से कर लो या तुम्हारे ऊपर अचानक किसी बाबा का प्रभाव हो जाए, बोलो जी मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, फिर क्या होगा है? फिर क्या होगा, भीष्म पितामह बन के रह गए और बी बिचारा क्या करेगा, बी बिचारा क्या करेगा, तुम्हारे पंडित ढूंढता फिरेगा। एक इंस्ट्रूमेंट और, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर रुपीज 500। बताइए प्रॉमिसरी नोट है कि पक्का है? ए पेमेंट करेगा किसको, बी को, कितना, 500 रुपए, साइन करके दिया। अब आप कहेंगे टाइम कहां है, और जैसे साइन करके दिया पेबल हो गया। या तो आप टाइम बताओ कि मैं महीने बाद करूंगा, दो महीने बाद करूंगा, चार महीने बाद करूंगा, नहीं तो फिर ऐसे साइन करके दिया ऐसे पेमेंट हो गए। ए इज ए प्रॉमिसरी नोट। बी आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी डेटेड टू बी इन रुपीज 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब देखिए क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया तो ए ने इसको इस तरह से लिखा कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे ऊपर बी का 1000 रुपए का कर्जा है, ठीक है, 1000 रुपए का कर्जा है, मैं देने को तैयार हूं, जब भी बी की तरफ से डिमांड आएगी मैं देने को तैयार हूं। जहां तक वैल्यू रिसीप्ट की बात है वो तो 1000 रुपए मैं पहले दे चुका हूं, ये भी प्रॉमिसरी नोट है, ये भी प्रॉमिसरी नोट। एक बार डेफिनेशन जरा फिर से बताइए, आप देख के बताइए इसमें कहीं टाइम की बात की है, इस पूरी परिभाषा में कहीं भी ये नहीं बोला। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी तो बोला है, सर्टेन पर्सन तो बोला है, लेकिन टाइम की बात की, कब देना है ये वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे भाई। इसलिए ऊपर भी नहीं लिखा टाइम, तुरंत पेबल हो गया, यहां भी नहीं लिखा टाइम, तुरंत पेबल हो गया। अब अगले पे आइए, मिस्टर बी
आई ओ यू रुपीज 1000। अब देखिए आई ओ यू का क्या मतलब है, लव यू नहीं है, ओ यू है, मतलब मैं आपके कर्जे में हूं। कितने कर्जे में? 1000 रुपए के कर्जे में हूं। तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? अरे भाई साहब यहां तो यही लिखा है कि मैं आपका 1000 का कर्जदार हूं। पेमेंट करने के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं। सी इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। फिर अगला आया, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500। यहां तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 एंड यहां से गड़बड़ हुआ, ऑल अदर सम्स दैट शैल बी ड्यू टू हिम। यहां से गड़बड़ हो गया, ऑल अदर सम्स। अरे भाई डेफिनेशन ने क्या कहा? सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना देना है ये पक्का होना चाहिए। तुमने ये तो पक्का किया नहीं, बोलो 500 तो दूंगा प्लस कुछ और ड्यू हो जाएगा तो दे दूंगा। ये कुछ और क्या है भाई, ये कुछ और क्या है? अरे वो एक पुराना एड आता था, बरातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन का तो स्कोप ही नहीं भाई। कहे का कंफ्यूजन है, पक्का बताओ ना कितना पैसा देना है, 500 प्लस और कुछ है? और कुछ क्या है? ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। अच्छा अब आप एक सवाल पूछे कि सर अगर ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है तो ये है क्या? भाई देखिए ए और बी, ये पहले दोनों एग्जांपल, ये प्रॉमिसरी नोट हैं, इनकी डीलिंग किस एक्ट में होगी? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। सी प्रॉमिसरी नोट नहीं है, इसकी डीलिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं होगी। डी प्रॉमिसरी नोट नहीं है, इसकी डीलिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं होगी। अब जरा ई देखिए, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 आफ्टर डिडक्टिंग मनी विच ही ओ मी। अच्छा तो यहां बी को कितना रुपया देने का वादा किया गया? 500। यहां तक ठीक था, सही जा रहा, रास्ता यहां से गड़बड़ हुआ। आफ्टर डिडक्टिंग मनी विच ही ओ मी, मतलब 500 तो दूंगा लेकिन उसमें से उतना काट लूंगा जितना मैंने उसको उधार दे रखा है। अरे तो ये तो बताओ कितना तुमने उधार दे रखा, कितना काटोगे और बैलेंस कितना पेमेंट होगा? सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब है सर्टेन सम ऑफ मनी, आपको ये सर्टेन करना पड़ेगा। अब एक और लीजिए, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डी डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ मनी। अब सुनना 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 सुनना, एक मिनट सुन लो। एफ में देखो मैरिज की बात थी, मैरिज तो पक्का नहीं है कि हो ही जाएगी। जी में डेथ की बात है, डेथ तो पक्की है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगी या बाद में परसों होगी, ये तो पक्का है। तो इसका मतलब डी की डेथ वाली कंडीशन तो पक्की है, यहां तक ठीक है, ये लाइन यहां तक ठीक है कि कंडीशन पक्की है कि डी की डेथ पे दूंगा। कितना दूंगा? 500 दूंगा, ये भी पक्का है। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ, प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ मनी, मैं डैडी की डेथ पे डी को 500 रुपए दूंगा, शर्त इस बात की है कि डैडी 500 रुपए छोड़ के जाए मेरे लिए। बताओ भैया पेमेंट तुमको करना है, शर्त यह है कि पैसा डैडी छोड़ के जाएंगे, है तो डैडी से ही लिखवा देते ना प्रॉमिसरी नोट, तुमको लिखने की क्या जरूरत थी? प्रॉमिस तुम कर रहे हो, कंडीशन है बाबूजी छोड़ के जाएंगे तो पैसा देंगे, ये क्या बात है भाई, ये तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 एंड टू डिलीवर हिम माई हॉर्स ऑन 1st January नेक्स्ट। घोड़ा भी दूंगा, गधा समझ रखा है क्या? घोड़ा भी दूंगा। ए भाई ये एक्ट पैसे को डील करता है, पैसे को, हाथी घोड़ा डील नहीं करता। दिस एक्ट डज नॉट डील इन काइंड, वस्तुओं में ये कानून डील नहीं करता। तो एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट नहीं होता।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, इज दैट राइट? तो ये प्रॉमिसरी नोट के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एसेंशियल करेक्टर्स ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट, क्या करेक्टर्स हैं प्रॉमिसरी नोट के, देखते हैं क्या करेक्टर्स हैं प्रॉमिसरी नोट के। इट मस्ट बी इन राइटिंग, वेरी बढ़िया। ए प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग इंक्लूड प्रिंट, टाइप रिटन, हैंड रिटन, और जैसा मैंने आपको बताया देर इज नो प्रिस्क्राइब फॉर्म और लैंग्वेज फॉर दिस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट कंटेन ए प्रॉमिस टू पे, द प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, पक्का कि पेमेंट करूंगा। एन इंप्लाइड अंडरटेकिंग कैन नॉट बी ए प्रॉमिसरी नोट, जैसा अभी हमने एग्जांपल्स में देखा है कि लिखने वाला समझ रहा है कि हाँ मैं पैसे की बात कर रहा हूं, पाने वाला समझ रहा है कि हाँ बात पैसे की हो रही है, लेकिन एक्ट को कैसे समझ में आएगा? एक्ट को तो तब समझ में आएगा जब आप बिल्कुल पक्की प्रॉमिस करने का वादा कर रहे हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉमिस मस्ट बी टू पे मनी ओनली, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेएबल ओनली इन मनी। इफ इट कंटेन्स ए प्रॉमिस टू पे समथिंग अदर देन मनी और समथिंग इन एडिशन टू मनी, देन इट विल नॉट बी ए प्रॉमिसरी नोट। जैसे अभी आपने देखा 500 रुपए दे रहा था, घोड़ा भी दे रहा था, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स रुपीज 50,000 एंड ऑल्सो डिलीवर हिम अदर एसेंशियल गुड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब आगे चलिएगा, ए डेफिनेट सम ऑफ मनी, देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी फॉर द फॉलोइंग इन केस ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट, फॉर द अमाउंट पक्का होना चाहिए, एज टू द पर्सन ऑन हूज ऑर्डर पेमेंट इज टू बी मेड एंड टू हूम पेमेंट इज टू बी मेड आर मोस्ट एसेंशियल फॉर प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, पे पक्का होना चाहिए, किसके ऑर्डर पे पेमेंट मिलेगी पक्का होना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 एंड ऑल अदर विच शैल बी ड्यू, इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट एज द सम इज नॉट सर्टेन, ऑफकोर्स। बट वेयर प्रॉमिस बाय प्रोमिसर इज टू पे प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड डेट, देन इट इज नॉट एन अनसर्टेनिटी। जरा इसको समझ लेते हैं कि कब ये अनसर्टेनिटी नहीं है। देखिए, P1 ने P2 को लोन दिया 10,000 का, कितने का लोन दिया 10,000 का, 3 महीने के लिए लोन दिया, ठीक है, बोला भैया पेमेंट कैसे करूंगे। तो P2 ने क्या किया, P1 के लिए एक प्रॉमिसरी नोट लिख दिया, P2 to P1, बोला पेमेंट ऐसे करूंगा, क्या कि 10,000 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, प्लस 10% इंटरेस्ट दूंगा, कितने महीने के लिए, 3 महीने। तो मतलब यहां जो कंडीशन है, डेफिनेट सम ऑफ मनी, डेफिनेट सम ऑफ मनी वो पूरी हो रही है, क्योंकि यहां उस सम को डेफिनेटली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला विद्यमान है। प्रॉमिसरी नोट तब नहीं होता जब वेगनेस होती है,
कंफ्यूजन का स्कोप होता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है तो प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, अमाउंट पक्का होना चाहिए और कंडीशन पक्की होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब एक बढ़िया सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि जो प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पे आप अमाउंट शब्दों में भी लिखेंगे और अंकों में भी लिखेंगे। ये एक्ट ने कहीं प्रिस्क्राइब नहीं किया, बट एक्ट ने इतना प्रिस्क्राइब किया है कि डेफिनेट सम ऑफ मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट सम होना चाहिए, ठीक है। अब एक जगह पे लिखा है 2087 रुपीज का पेमेंट करूंगा, और वहां शब्दों में लिखा है 2078। कुछ ऐसे लिखो कि मैं पीटू को 2087 दूंगा, अंकों में लिखा है, और शब्दों में लिखा है 2078 दूंगा। ये इस तरह से लिखा है, तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट है या इसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा? यहां सेक्शन 18 आपके बचाव में आता है और वो ये कहता है, इफ द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, देन द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट पेबल। मतलब किसका महत्व ज्यादा हो जाएगा? जो शब्दों में लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसके पीछे कानून की थिंकिंग क्या है, मैं बता दूं आपको। इसके पीछे कानून की थिंकिंग ये है कि जब आदमी शब्दों में कोई चीज लिखता है तो ज्यादा कॉन्शियस रहता है, अंकों में लिखते समय हेर फेर हो सकती है, लेकिन जब वो शब्दों में लिखता है तो उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। ये कानून का मानना है। तो इसीलिए सेक्शन 18 ने कहा कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो शब्दों और अंकों में लिखे हुए रकम में कोई हेर फेर होता है तो जो रकम शब्दों में लिखी है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब एक सवाल आप पूछेंगे, मैं जानता हूं वो आपके दिमाग में आ गया होगा अब तक, कि क्या चेक में भी ऐसा होता है? आप सबके बैंक अकाउंट होंगे, क्या चेक में भी ऐसा होता है? चेक में तो शब्दों में रकम लिखने की जगह होती है, अंकों में रकम लिखने की जगह होती है। अगर चेक में ऐसा हो जाए तो कि शब्दों में रकम कुछ और लिखी है और अंकों में रकम कुछ और लिखी है, मैं यही बता दूं वहां सेक्शन 18 अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ये बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है। और 100 में से 99 केसेस में ऐसे चेक डिसऑनर हो जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में ब्रांच मैनेजर एक्सेप्ट करता है ऐसे चेक को, जब वो पेमेंट करने वाले और पेमेंट प्राप्त करने वाले दोनों पार्टियों को जान रहा होता है। हालांकि जनरली बैंकर यही कहता है कि भाई इस चेक को कैंसिल कीजिए, दूसरा चेक लिख दीजिए, बेकार बाद में मामला कहीं फंसे तो ऑडिट वॉडिट में तो क्या फायदा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये एप्लीकेबल होगा। चेक वाले में तो चूंकि बैंकर के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अलग पावर आ जाती है, आरबीआई एक्ट की अलग पावर आ जाती है, तो वहां वो अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर देता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेक्शन 18 एप्लीकेबल हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट
if the amount stated differently in figures and in words, then the amount stated in words shall be the amount which is payable. And then next essential characteristic of promissory note, the promise to pay must be unconditional. The promise to pay must be unconditional, or if it is conditional, then it can be subject to such condition which is bound to happen. जैसे आपने वो डेथ वाला केस देखा, मैरिज वाले केस में प्रोमिसरी नोट नहीं था, डेथ वाले केस में प्रोमिसरी नोट बन गया. तो मीनिंग ऑफ द वर्ड कंडीशनल, एग्जाम्पल, ए प्रोमिसरी नोट इज रिटन एज आई प्रोमिस टू पे टू ए रुपीज 2000 15 days after the death of B is not conditional as it is certain. B की death का exact time किसी को पता नहीं है, लेकिन उसकी death होगी ये पक्का है, ये तो भगवत गीता में भी लिख दिया गया. तो जब होगी तो इंतजार करो भैया. Next condition है promissory note की, the instrument must be signed by the maker. A promissory note must be signed by the maker or his authorized agent. The signature can be on any part of the instrument. देखिए, P1 बना रहा है, P2 बना रहा है. P1 ने P2 को promissory note दिया. मैंने अभी इसको कहा कि ये साइन करेगा P1. अगर इंस्ट्रूमेंट बनते समय मेकर ने साइन नहीं किया तो वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कंप्लीटली वायर्ड है, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं. अब सवाल उठता है साइन करने का, P1 ही करेगा या उसका ऑथराइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा? तो देखिए, जो ऑथराइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साइन करने वाली बात है, उस पर एक दूसरा एक्ट लागू होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, कि कोई भी आदमी लीगली जो काम करने का अधिकारी है वो वही काम करने का अधिकार किसी और को भी दे सकता है. तो मतलब P1 इस प्रोमिसरी नोट को लिखने और साइन करने का अधिकार अपने पुत्र को दे दे, अपने सन को दे दे कि बेटा तुम साइन करो, तुम लिखो, मैं लिख देता हूं, तुम साइन करो, और सन उसका ऑथराइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. देखिए, समझिएगा, उसका बेटा, उसका वारिस जरूर है, बट टू कॉन्स्टिट्यूट दैट सन एज ऑथराइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, P1 हैज टू साइन ए पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ सन. फर्क है दोनों? चेक के केस में भी ये हो सकता है, लेकिन आपको बैंकर से परमिशन लेनी पड़ती है. अगली कंडीशन है प्रॉमिसरी नोट की असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में, द पर्सन टू होम द प्रॉमिस इज मेड मस्ट बी ए डेफिनेट पर्सन, द पे मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, इफ नेम ऑफ पे इज नॉट मेंशन द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स इनवैलिड, द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स इनवैलिड. तो मतलब मेकर का नाम और साइन भी होना चाहिए, पेई का नाम भी होना चाहिए. और अब जरा इस रहस्य पे आइएगा, बहुत बढ़िया रहस्य है ये. मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट मेक द नोट पेबल टू हिमसेल्फ. मतलब P1 ये नहीं लिख सकता, आई प्रोमिस टू पे माई सेल्फ रुपीज 1000 3 months आफ्टर दिस डेट. ए नोट विच रन्स आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट एंड हेंस इनवैलिड. हाउएवर, जहां भी हाउएवर आए समझना कानून की धारा कुछ मोड़ रही है. हाउएवर इट बिकम्स वैलिड व्हेन द मेकर हिमसेल्फ एंडोर्सेस इट टू अनदर. वाओ, ये क्या है? Such a note becomes valid because if endorsed especially it becomes payable to the endorsee or his order. Or his order. अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे,
कि एक तरफ तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके लिए मना भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसको वैलिड बनवा रहा है, ये कैसे होता है? देख सिंपल सी बात है, P1 है, P2 है, प्रॉमिसरी नोट तो इसको देना था, ठीक है। देखिए P1 ने P2 के लिए ही लिखा, प्रॉमिस टू पे टू P2 1000 3 months, ठीक है। P2 लेके चला, कौन मिला था? बनिया, ठीक है। बनिए को दे दिया तो क्या हो गया था? एंडोर्समेंट। अब देखिए इस बनिए की जगह पे आप रख दीजिए P1 को, कि उस 3 महीने की मैच्योरिटी डेट के पहले ही बनिए ने इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट का अधिकार किसको ट्रांसफर कर दिया? P1 को। अब देखिएगा यार लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। P1 व्हेन ही मेड दैट नोट इज कॉल्ड मेकर, P2 इज कॉल्ड पेइंग, बिल्कुल सही बात। बनिया इज कॉल्ड नाउ होल्डर, जिसके फेवर में पेई ने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया, मतलब बनिए को पेमेंट लेने का अधिकार। इस बनिए ने P1 को यह अधिकार दे दिया कि तुम पेमेंट लो, इसका मतलब P1 की लीगल कैपेसिटी क्या हो गई? होल्डर की लीगल कैपेसिटी हो। बनिए ने साइन किया, पीछे लिखा पे टू P1, ऑर्डर दिया कि P1 को इसका पैसा दिया जाए। देखिए P1 यहां पे दो लीगल कैपेसिटी में आ गया, एक तो मेकर और एक होल्डर। उसी बिल का होल्डर हो गया वो, उसी प्रॉमिसरी नोट का होल्डर हो गया वो, कमाल है। इट बिकम्स वैलिड व्हेन मेकर हिमसेल्फ इंडोर्सेस इट टू अनदर। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां तो उसने पहले P2 के लिए बनाया, फिर उसको घुमाया और फिर अपने आप के नाम में उसने इंडोर्स करवा दिया। अब जरा देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। P1 ने लिखा पे टू myself, पे टू P1, इसका मतलब invalid, इसका मतलब invalid, wow, invalid। लेकिन ये लाइन क्या बोल रही है? When the maker himself endorses it to another। अब इस P1 ने क्या किया कि इस इंस्ट्रूमेंट को दे दिया P2 को। देखिए इंस्ट्रूमेंट में ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? ओरिजिनल लैंग्वेज ये थी पे टू P1 ₹1000 आफ्टर 3 months। अगर ये इंस्ट्रूमेंट P1 अपने पास 3 महीने के लिए रखता तो ये इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड था। P1 ने अपने आप को पेमेंट करने का वादा किया, इनवैलिड था। लेकिन P1 ने बनाने के बाद साइन किया और साइन करने के बाद किसको दे दिया? P2 को। क्या बोला? पे टू P2 साइन P1, दिस इज व्हाट? इंडोर्समेंट। अब जो ये इंडोर्समेंट है P2 को इसका वैलिड उत्तराधिकारी बनाती है। अब P2 को इस प्रॉमिसरी नोट पे पेमेंट रिसीव करने का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। इसका अर्थ है ये प्रॉमिसरी नोट अब जाके क्या हो गया? वैलिड। अब जाके क्या हो गया? वैलिड। तो ये प्रॉमिसरी नोट के बारे में आज जो हम लोगों ने सीखा है, इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या फर्क है इसकी बात करेंगे। बस एक दिन का इंतजार कीजिए, कल बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू, बहुत ध्यान से देखा आप लोगों ने, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नमस्कार।